इन दोनों का एक अद्भुत संयोग पीलीभीत के लिए हमारे लिए बन जाता है। एक तरफ यहाँ टाइगर की हुंकार होती है और दूसरी तरफ बांसुरी की मधुर ताल भी यहाँ सुनने को मिलती है। और इसीलिए जब पीलीभीत की बात आती है तो हम बार बार कहते हैं कि वहां कहना चाहता किसानों के लिए भी, वहां के युवाओं के लिए भी और वहां के समग्र समाज के विकास के लिए जितना कुछ भी हो पाएगा वह सरकार करेगी, इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। बहनों भाइयों, हमने बदलते हुए भारत को देखा है, हमारी पीढ़ी इसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है, क्योंकि आपने 2014 के पहले के भारत को भी देखा है और 2014 के बाद के भारत को भी। 2014 के पहले का वह भारत जहां अविश्वास था, जहां पे अराजकता थी, जहां पर देश के बारे में कोई सोच नहीं थी, पूरे देश के अंदर आम जनमानस के मन में सरकार के प्रति भी, सत्ता के प्रति भी और राजनीतिज्ञों के प्रति भी विश्वास नहीं रह गया था, वह एक भारत था। स्वाभाविक रूप से जब अपने देश के लोग सम्मान नहीं दे रहे हैं तो दुनिया के लोगों ने भी सम्मान देना बंद कर दिया था। एक भारत था जहां पर अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, युवा पलायन कर रहा था, देश के अंदर कहीं उग्रवाद था, कहीं नक्सलवाद था, आपस में जातीय वैमनस्यता की खाई इतनी चौड़ी थी कि कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता था। और उत्तर प्रदेश के बारे में तो कहना ही क्या है, यहां दंगा होता था, कभी सहारनपुर में सिख विरोधी दंगे हुए थे, कभी मुजफ्फरनगर में, कभी बरेली में, कभी बहेड़ी में, कभी मुरादाबाद में, कभी लखनऊ में, कोई कस्बा, कोई नगर, कोई जनपद नहीं बचा था जहां दंगे और कर्फ्यू की कहर लोगों ने न सहे लगी। यह उत्तर प्रदेश की पहचान थी, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, उद्यमी पलायन कर रहा था। ये 2014 के पहले के भारत और पहले के उत्तर प्रदेश की स्थिति थी। आज 2024 में जो हम हैं, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, दुनिया के अंदर जो भारतीय रहता है आज बड़े गर्व से कहता है कि मैं भारत का निवासी हूं। लोग पूछते हैं कौन पाकिस्तान से, तो लोग कहते हैं हम उस भारत के निवासी हैं जिसको दुनिया का सबसे लोकप्रिय राजनेता श्री नरेंद्र मोदी जिस देश को नेतृत्व दे रहे हैं। हर भारतवासी गौरव के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में सम्मान प्राप्त कर रहा है, तो सीमाएं हमारी सुरक्षित है, पूरी तरह सुरक्षित है। कश्मीर में आतंकवाद समाप्त, पूर्वोत्तर के राज्यों का उग्रवाद समाप्त, नक्सलवाद समाप्त, अब देश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण है। अब अन्नदाता आत्महत्या नहीं करता है, अन्नदाता अब उत्कर्ष की चरमता की ओर पहुंचने के लिए तैयार है, नौजवान प्लान नहीं करता है, आज का नौजवान स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करता है, आज कोई बेटी अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करती है, बल्कि अब वह फाइटर पायलट बनकर के भारत की सुरक्षा का सिग्नल करने के लिए अपने आप को तैयार करती है। बहनों भाइयों, यह बदले हुए भारत की तस्वीर है। और उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है चुस्त दुरुस्त, क्योंकि
उत्तर प्रदेश के अंदर है अपराधी और माफिया फस्ट, हमने इसको फस्ट किया। तो उत्तर प्रदेश में बेटी और व्यापारी के साथ साथ पूरा उत्तर प्रदेश दंगा से मुक्त हो गया, दंगा से मुक्त हो गया। जो कार्य कभी नहीं हो पाया था, मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल के अंदर हमने उत्तर प्रदेश के अंदर उन कार्यों को जमीनी धरातल पर, देश के अंदर जमीनी धरातल पर होते हुए देखा है। एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, एक ऐसा भारत जिसमें सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है, जिसमें नौजवान के लिए आजीविका है तो आम जन की आस्था के लिए सम्मान भी है, जहां पर कर्फ्यू तो पूरी तरह बंद हुआ है लेकिन कावड़ यात्रा धूमधाम से ले जाने की तैयारी भी चल रही है। बहनों भाइयों, ये उत्तर प्रदेश और देश आज अपनी विरासत और विकास की एक नई यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है। याद रखना, विरासत को विस्मृत करके कोई देश एक लंबी यात्रा आगे तय नहीं कर सकता। आज भारत अपनी विरासत और विकास दोनों में बेहतर समन्वय बनाकर के कार्य कर रहा है। आज उसी का परिणाम है हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की बेहतर कनेक्टिविटी हो रही है, मेट्रो लाइन बिछाए जा रहे हैं, आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, एम्स जैसे संस्थान बन रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है। आपका पीलीभीत जनपद भी तो वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के कारण आज मेडिकल कॉलेज प्राप्त किया है। और भाइयों, पीलीभीत में मेडिकल कॉलेज हो ये सपना था लेकिन आज ये सपना साकार हुआ है, मैं आपको बधाई देता हूं। और इसका श्रेय हमारे मंच में बैठे हुए जनप्रतिनिधियों का जाता है जिन्होंने लगातार प्रयास किया। आज यहाँ पे सड़क के लिए जो भी प्रस्ताव श्री जितेंद्र प्रसाद जी के सामने आए थे, पुल और सड़क के सारे प्रस्तावों को इन्होंने यहाँ पे पूरी तरह स्वीकृत करके विकास की नई धारा के साथ पीलीभीत को आगे बढ़ाने का कार्य किया। और यही नहीं, जहां यहाँ पर्यटकों के लिए इको टूरिज्म के बेहतरीन डेस्टिनेशन के लिए पीलीभीत को आगे बढ़ाने का कार्य सरकार कर रही है, चौका में पिछले दिनों में स्वयं ही आया था, वहीं साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया गया कि वन्य जीव और मानव के संघर्ष को रोकने के लिए इन किसानों की जमीन जंगल के बीच में पड़ रही है, वहां पर हम इलेक्ट्रिक फेंसिंग की कार्रवाई करते हुए जंगली जानवरों से किसानों को बचाने के लिए व्यवस्था भी करेंगे, और अगर जनहानि होती है तो इसे आपदा की श्रेणी में लेकर के उन अन्नदाता किसानों के लिए मुआवजे और कंपनसेशन की व्यवस्था भी करेंगे। हमारी सरकार उसको कर चुकी है, लागू कर चुकी है। बहनों और भाइयों, आज अन्नदाता किसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक ये योजनाएं उनके स्वागत के लिए सदैव तैयार रहती है। आज नौजवान के लिए स्टार्टअप और स्टैंडअप से लेकर के उसकी आजीविका और निवेश के माध्यम से लाखों नौकरी और रोजगार की संभावना उसके स्वागत के लिए तैयार बैठी हुई है। आज बेटी के जन्म लेने से लेकर के उसके शादी ब्याह तक के योग्य बनने तक उसके लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं और तमाम ऐसी योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजनाएं, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो उनके लिए पूरी तरह उनकी सुरक्षा के लिए तैयार बैठी हुई है। हमने व्यापारी को व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर दिया है, तो एमएसएमई उद्यमी को भी हमने 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर उपलब्ध करवाया है। और यही नहीं, हमने निजी क्षेत्र में भी औद्योगिक
पार्क विकसित करने के लिए प्लेस योजना को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, जिसका लाभ आपका पीलीभीत जनपद भी ले रहा है। बहनों और भाइयों, एक तरफ सरकार के द्वारा बनाए गए बोर्ड, उत्तर प्रदेश को आज देश का रेवेन्यू सर्कल स्टेट के रूप में स्थापित करता है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होते हुए आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा जब 2014 में मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली थी, तो बहनों और भाइयों उस समय भारत दुनिया की उस समय भारत दुनिया का 11वीं अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था। भारत उस समय एक पिछड़कू देश के रूप में जाना जाता था और मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ते हुए आज भारत दुनिया का 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। और इसीलिए हम लोग आए हैं, मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए, मात्र 3 वर्ष में ही भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होगा। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब हर नौजवान के हाथ को कार्य होगा, हर बेटी और व्यापारी सुरक्षा के एक माहौल में स्वावलंबन के मार्ग को अग्रसर करते हुए देश को नेतृत्व देगी, अन्नदाता किसान कई गुना आमदनी के साथ कार्य करते हुए देश के विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। और इन सब कार्यों की दृष्टि से आज हम सब आपके बीच में आए हैं, ये जो चुनाव चल रहे हैं, यह चुनाव बहनों और भाइयों केवल चुनाव नहीं है, ये चुनाव तो फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट के बीच में होने जा रहा है। याद करिए, सपा हो या कांग्रेस, उनकी ओर से उस पार्टी का अध्यक्ष केवल एक खानदान का ही व्यक्ति हो सकता है। और यहाँ पे मोदी जी के बारे में जब चर्चा करते हैं, एक सामान्य गरीब परिवार से निकल करके पूरा जीवन देश के लिए समर्पित करते हुए उनके लिए 140 करोड़ का भारत ही उनका परिवार है। ये मोदी जी के कारण आज भारत के बारे में दृष्टिकोण बदला है। और इसीलिए जब ये चुनाव की बात आ रही है तो फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट, अपने परिवारवादियों को वोट देना है या देश के बारे में सोचने वाले लोगों को वोट देना है। और देश के बारे में सोच को अगर आगे बढ़ाते हैं तो ऐसे सुरक्षित और खुशहाल माहौल में आगे बढ़ने का एक अवसर हमें प्राप्त होता है। ये चुनाव माफिया राज बनाम कानून के राज में चुनाव है। सपा